वैसे तो आपको पता ही होगा उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। कहते हैं कि ऋषि मुनियों ने सैकड़ों साल तपस्या करके इसे दिव्य भूमि बनाया है, जिसका वैभव पाने के लिए श्रद्धालु मिलों की यात्रा करके अपने भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। देवभूमि उत्तराखंड, जिसकी हवा में गंगा आरती की सुगंध और शाम स्वयं में समेटे हैं ढेर सारी शीतलता। आज ऐसे ही एक मंदिर की कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो हल्द्वानी शहर में स्थित है, जिस मंदिर का नाम तिरुमूर्ति है और यह मंदिर करीब 100 साल पुराना बताया जाता है। इस मंदिर में भक्तों की अटूट आस्था और भक्तों का अटूट विश्वास है और यह मंदिर भक्तों की आस्था का केंद्र भी कहलाता है। जानकारी के लिए हमने मंदिर के पुजारी आचार्य योगेश जोशी से बातचीत की। उन्होंने हमें जानकारी देते हुए बताया कि इस मंदिर में लोगों की अटूट आस्था और विश्वास है। यहाँ जो भी सच्चे मन से अपनी मनोकामना मांगता है, उनकी मुराद जरूर पूरी होती है। साथ ही उन्होंने बताया कि इस मंदिर में भगवान शिव का परिवार, राम दरबार, लक्ष्मी नारायण भगवान, हनुमान जी और विशेष भगवती देवी के नाम से यह मंदिर प्रसिद्ध है। उन्होंने कहा कि यहाँ सुबह 4 बजे से ही मंदिर के केवाड़ खोल दिए जाते हैं और यहाँ भक्तों का आना शुरू हो जाता है। उनका कहना है कि नवरात्रियों में यहाँ भक्तों की भीड़ लगी रहती है। आपको बता दें कि तिरुमूर्ति मंदिर कमलवागाजा रोड पर स्थित है और इस मंदिर में रोज सुबह 4 बजे से ही भक्त पूजा अर्चना के लिए मंदिर पहुँचने लगते हैं। यहाँ भक्त हल्द्वानी शहर से ही नहीं बल्कि अन्य शहरों से भी आया करते हैं। विशेष नवरात्रि में यहाँ भक्तों की भीड़ देखने को मिलती है। पहले तो मैं आचार्य योगेश चंद्र जोशी, आप सभी दर्शकों का धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो इसके माध्यम से हमारे सनातन धर्म का प्रचार होता है कि किस प्रकार हमारे मंदिर कहाँ हैं, कहाँ पर स्थित हैं, उनका क्या नाम है, उनकी क्या विशेषता है। तो वैसे ही आज त्रिमूर्ति देवी मंदिर जो कमलवागाजा रोड पर स्थित है, उसके विषय में थोड़ा सा किस प्रकार से यह मंदिर है और इसका अति प्राचीन यह मंदिर है और लगभग 2005 से इसका जीर्णोद्धार और व्यवस्थाएं जो सुचारू रूप से चल पाती हैं, वैसा इसको बनाया गया है। यहाँ पर भगवान शिव परिवार हैं, राम दरबार हैं, लक्ष्मी नारायण भगवान हैं, शनिदेव महाराज हैं, हनुमान जी हैं और विशेष तो भगवती देवी मंदिर के नाम से यह प्रसिद्ध है। लोग जो हैं वो सुबह 4 बजे से मंदिर खोल देते हैं और लगभग 4-4:30 बजे से भक्तों का आना प्रारंभ हो जाता है। और थोड़ा सा ये रहता है कि कभी जैसे त्योहारों का टाइम है तो भक्तजन और जल्दी टाइम से आ जाते हैं और ज़्यादा आ जाते हैं, और जैसे अभी श्राद्ध पक्ष लग रहा है तो श्राद्ध में भी मंदिर आते हैं लेकिन अमूमन उतना अधिक मात्रा में अधिक नहीं आते। तो जैसे नवरात्रि आएंगी या कोई भी विशेष पर्व आते हैं तो उसमें काफ़ी संख्या में भक्तों की भीड़ रहती है। उत्तराखंड के हल्द्वानी से लोकल एरिया के लिए पवन सिंह गोयल की रिपोर्ट।